गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकत्री कल्याण सेवा समिति चंदा यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आशा बहु इकट्ठा होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात किया और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला अधिकारी से मुलाकात करने के बाद बताया कि हम आशा बहुएं विभिन्न मांगों को लेकर बीते 25 मई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थीं। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर आज हम धरने को समाप्त कर पुनः काम पर लौट रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, हमारी माँ से आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आप दिक्कत इस बात का हमें तकलीफ हुआ था कि हम आपके कुछ दे दिया हमने कि आप हम लोगों से मिले, आप नहीं दे सकते, हम जानते हैं कि आप बेल घाट भी गए वहाँ भी वाले बड़े लेकिन हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दिया था। मैं कमिश्नर मीटिंग में था तो वहाँ से मैंने एडिशनल सीएमओ को कहा कि आप उनसे बात सुन लें, आपके कागज ले। उस दिन आपने हमें पूर्व सूचना नहीं दी थी। नहीं, हम बोले कल मुझे डाक में आपकी पूर्व सूचना मिली थी कि आज आप लोग आएंगे, तो मैं आज ऑफिस से नहीं गई। मैंने ओपन जब से आया हूँ तब से यही कह रहा हूँ कि आप अपनी समस्या सबसे पहले मुझे बताइए, अगर हम सॉल्व कर सकते हैं या हम ऊपर से सॉल्व करा सकते हैं तो वो मैं कर लूँगा। आप हमसे पहले किसी और को बता दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सॉल्व हमें ही करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी समस्याओं के लिए हम ये कह रहे हैं कि आपकी बिल्कुल गलत मांग है या आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा समझें कि जितनी भी मैंने वो आपके देखे थे उसमें मेरे स्तर से सिर्फ आपकी एक मांग हमारे समझ में आ रही थी कि हम आपके बैठने की हम पीएससी सीएससी पे व्यवस्था, ये आपकी एक मांग थी जिसके विषय में हम कुछ कर सकते हैं भविष्य में, खास करके सीएससी पे जहाँ जगह है, जहाँ की मैडम बात कर रही खजनी 3.5 कमरे में हम लोन के खुद ही चला रहे हैं, वहाँ मैं आशा को कौन सा कमरा दे दूंगा आप बताओ। नहीं वहाँ से जगह नहीं, ऐसा वही नहीं, ऐसे जंगल कोडिया ये तो बनाया जाएगा, धीरे धीरे बनाया जाएगा। बाकी जितना मानदेय की बात है हम तो कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से भी संबंधित नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र जैसा करेगी पूरे भारत मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ऊपर केंद्र को लिखेंगे और केंद्र ही करेगा। अब चूंकि ये योजना मई की है, कहीं से पैसा योजना में मुख्यमंत्री जी कहाँ से ला देंगे? तो सर वादा किए थे ना। अब ये क्या वादा, मैं माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या योजना, लेकिन अगर आप लोग बताएं कि आप सही बात है, हमारे जितनी प्रोग्राम है सबकी रेट की हड्डी है और आप ओवर बर्डन है। ये मैं मानता हूँ कि आपको इतना वर्कलोड एएनएम को और आपको दिया गया है जो कि ग्रास रूट पे है, आप सर एएनएम का भी काम आशा को सब दिया जा रहा है इस समय, संगनी के माध्यम से करा दिया जा रहा है। तो ये आप ओवरबर्डेड हैं, आपको बहुत काम दिया गया है और आप हमारे सारे प्रोग्राम में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, लेकिन एक संतोष आपको भी होना चाहिए कि आप उसी 1000 की आबादी से आती हैं जहाँ की आप हो, और आप उन्हीं के लिए, उन्हीं महिलाओं के लिए, उन्हीं प्रसूताओं के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं बुजुर्गों के लिए काम कर रही हैं।
वेतन की समस्या को लेके जो है हम मुख्यमंत्री जी से कल हम लोग मिले और उनसे आश्वासन मिला। दूसरा हमारा मैटर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से था कि वो हमारी बहनों को निष्कासित करने की मांग किए थे पेपर के माध्यम से। इस आक्रोश में जो है हमारी बहनें उनके कार्यालय पर संख्या बल के साथ जो है गई थी कि कैसे सेमो साहब जो है हम लोग के निकालने की बात कहे हैं, अपनी बात को वापस ले। इस मांग को लेके हम वो गए थे और वो जो बात कहे थे उस बात को पलट के और फिर जब इतनी संख्या बल के साथ गए तो अपनी बात वो बदल दिए और कहे कि हम निकालने की बात नहीं कहे थे। हाँ, आश्वासन मिला है कि आप जो लोग है काम करिए और हम किसी को निकालने की बात नहीं। धरना खत्म कर रहे हैं जी, आज हम अपना ये धरना खत्म कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर, जिले के अधिकारी के आश्वासन पर नहीं।